सिंगरौली में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर सिंगरौली में भी कांग्रेस ने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर शहर का भ्रमण किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस युवक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया और वो जगह जगह भटकने को मजबूर हैं। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। उन्होंने चुनाव के वक्त ये युवाओं से वादा किया था कि 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना तो दूर, उनके नीतियों के कारण लगातार बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा बढ़ रही है। उसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी यूथ कांग्रेस के द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया जाए। हम लोग अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब जा रहे थे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा हम लोगों को रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर रोका गया। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया गया। कोविड-19 का बहाना बताकर कि धारा 144 लगी, हमको आगे नहीं जाने दिया गया और हमसे छीना झपटी किया गया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।